बाहर पानी फेंकवाना पड़ेगा, पानी वानी बाद में फेंकने के लिए काम करो। यहाँ पे रखो, बताए इसको उल्टा करके रख देना, अभी साफ करवा देते हैं ना। वाला पार्सल तुम्हारा वहीं पड़ा होगा ना? हाँ पड़ा तो वहीं पे, ये देख लो खुला होगा। निकाल तो नहीं, कुछ ऐसे निकाल जाए ना तो बेकार हो जाएगी। वही तो ऐसा काम ऐसे तुरंत कर चाहिए, लेकिन थकाई लग रहा था ये लेने करते हो ना। हम तुम्हें बात समझे थे ना, कितनी बात तुम्हें देखो समझ रहे थे। कह बात नहीं समझते हो, मुझे गाली देने वाले थे। नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे थे कि तुम इतना वर्क करते हो, इसको थक जाते, ये लिए नहीं तुम तुरंत कर पाओ। कहना ये चाहे, तुम कहना यही चाहे कि तुमने तुरंत इसको उठा के क्यों नहीं रखा पैक करके, जब तुमने फेशियल किया तो तुमको तुरंत पैक करके रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात, ऐसी बात नहीं। आगे बताओ, ऐसी हम आगे तो नहीं बता पाएंगे। हम हमेशा जो तुमसे बोलते हैं कि आगे बताओ, तुम कितना हंसने लगते हो। हम आगे नहीं बता पाएंगे इसलिए हंसने लगते हैं, क्योंकि तुम आगे बताओ वाली बातें मत हमसे किया करो, हम आगे होगे नहीं बता पाएंगे। यार उस दिन थ्रेडिंग धागा हम निकाले ना, फिर निकाली हूँ नया तो ये देखो फिर बेकार हो जाए ना, इधर धनंग उधर चोटी होगी कर ले। मेरा सामान उतर ले आओ, ला रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। ठीक है 2 मिनट के लिए रुक ले, बाल झाड़ ले थोड़ा सा। कहाँ रखा हुआ था? आया था ना पार्लर में, पार्सल वहाँ शॉप पे रखा है। देखते हैं, चलो। जिंदगी और कुछ भी नहीं, वो देखो तेरी मेरी कहानी है। वो बताया, वो जो कोरियर लेके आया था ना, उसने कहा कि मैम यहाँ पे साइन कर दीजिए, वो ब्लैंक था उस जगह पे। तो मैंने कहा अच्छा भैया, तो हमको लगा जहाँ ब्लैंक है वहीं पे साइन करना था, और मतलब जहाँ पे हमको करना था वहाँ ना करके, और जहाँ ब्लैंक दूसरे का कोरियर हो रहा था वहाँ पे साइन मार दिए। ऐसे ही पता चला तो वही स्कूल वाली याद है तुम्हें ना, कि खाली स्थान भरे, जहाँ खाली स्थान वहीं भर दो, मतलब उससे कोई मतलब नहीं ना। वो कह रहा तो उसका दूसरे वाले में भर दो, किसी दूसरे के एड्रेस में कर दी हुई साइन ना। तो कह रहा अरे मैडम आपने सनिया गलत कर दी है। तुमको क्या हुआ? तो कह रहा अरे भैया इसको इधर करना था, उसको आपने उधर कर दिया। हमने कह रहे बप्पा, अरे बप्पा ये तो बड़ा मुश्किल काम है तुम्हारे। हमको तो आराम रहता है, इधर आराम से आते रहते हैं तो दिन भर लेते रहते हैं, ये शाम तक हो जाते जब तक तो करो 7-8 पार्सल डेली। और कुछ भी नहीं, ये देखो ये ऐसी साड़ी आ चुकी है क्या एक बार? नहीं यार, हमें तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ ड्यूअल कॉम्बिनेशन में अच्छा लग रहा है। ड्यूअल मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो यार, ये ट्रेडिशनल, इसमें देखो वो बने मतलब है। ये देखो, नहीं मतलब हमको ये वाइन और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। हाँ धांसू लग रहा, मस्त लग रही ना, ज्यादा अच्छी लग रही ना, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन खुल, अभी देखो ऐसे ना खुलने पे और अच्छी आएगी ये, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ड्राई है काफी, ये साड़ी पहनने बहुत सुंदर लगी। इसका ब्लाउज फटाफट सिलवा दे दो, भैया लेट लती फूट रहे। ब्लाउज ही तो सिलने वाला कोई नहीं है, यही तो जिंदगी का रोना है। हमें सीख ली का कौन टेलर के पास जाए करके, अरे भैया मुझे सिखा दो, ठीक है दुल्हन के ब्लाउज सिला कर आप। ऐसा ना बोले यार, तो तुम सीख ले काम और सीखो एक हुनर। अच्छा पहले तो उसके बाद सारा दिन कोलैबोरेशन करो, रात सुबह 3 बजे एक बार ब्लाउज सिलना अपना स्टार्ट करो। ये बता यशु, वो जो रेड वाली साड़ी है, जो रेड वाली साड़ी है उसी का है ये कलर, इसमें ये सेम साड़ी। अरे वो छोड़ो, ये दूसरी साड़ी है, वो जो रेड वाली साड़ी वो किसके पेज से आया था हमें ये नहीं पता, लेकिन साड़ी ये वैसे ही लग रही है। माय गॉड कितना सुंदर कलर, ये क्या ब्लाउज है? पहले कलर देखो यार। हाँ, कलर तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है ना, साइड में देखो इतना सीक्वेंस सुंदर लग रहा है यार। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का वर्क होना ना, कहाँ चाय लगे हैं ये देखो, ये कितनी गजब का लग रहा है यार, क्वालिटी कितनी अच्छी आई है, पहनने बहुत हंसू लगेगी। मुझे तो लग रहा है अच्छी लगेगी यार, सही बात, क्या लग रहा है ये बॉर्डर वॉर्डर कितना गजब का है यार, अच्छा लग रहा है। कांच लगे हैं वहाँ देखो, शीशे वर्क है, मिरर वर्क अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। 3 कलर में आई ना, नहीं 2 कलर नहीं देखो, फिरोजी रेडियम। देख यशी और दोनों साड़ी जो ये दोनों ओपन करे, ये दोनों थोड़ी सी सतरंगी टाइप की है ना। हाँ इसमें देखो नीचे फिरोजी कलर भी आया हुआ है, कितनी सुंदर फिरोजी रेडियम येलो, बहुत नंबर 1 की लगी। मुझे भी लग रहा है मेरे पर बहुत सुंदर लगेगी यार, जबरदस्त लगेगी वाली, ये तो बहुत सुंदर है यार। ओ माय गॉड आज मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। चलो तुम्हारी चांदी हो गई, चांदी नहीं हुई। इसका ब्लाउज का पीस कैसा आया? ये तो प्लेन ही हमको लगता है, ये नहीं इसमें वर्क है, मैं दिखाती हूँ यार। ये कैसा दे दिया है, सही है, नए स्लीव्स का डिजाइन बस, नहीं कुछ चिपका हुआ है कि, अरे वो वैसे आया होगा फैक्ट्री से ही, ये देखो हाँ ये स्लीव्स में वर्क बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। हाँ
मतलब ये साड़ी ना पता है, वैसे मैं तुमको सही बताऊं, ये साड़ी उनके लिए और ज्यादा अच्छी होती है जो लोग मोटे होते हैं और पूरा फिट हो गया होता है। वो पता है पूरे बॉडी फिट होके आती है तो जो वो उन लोग के ऊपर एकदम चिपक जाती है साड़ी, तो बिल्कुल भी मोटे नहीं लगते ऐसे साड़ियों में। मतलब हम तो कहते हैं कि जो लोग मोटे हैं उनको इसी टाइप की साड़ी पहनना चाहिए, उनको अगर ये इस टाइप की साड़ी पहनेंगे ना वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसको मैं काउंटर के ही अंदर रख देती हूँ क्या? लेते चलो, नहीं लेते चलो अंदर, नहीं यहाँ पूसी लोग खराब कर देंगी। पूसी नहीं खराब करेंगे, ले चलो अंदर, नहीं यहाँ पे ना सब खराब हो जाएगी, सामान वामान उठाते उठाते घुसेड़ देंगे तो फिर मिलेगी भी नहीं तुमको एक। ले चलो, और मुझे कोई काम था, मेरा बॉटल कहाँ रखा हुआ है? बॉटल अंदर रखा हुआ है, ग्रीन वाला। चलो चलो अंदर।